हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे। तो आज फिर से एक नया दिन है और एक नया ब्लॉग लेके मैं हाजिर हूँ। तो आ गई हूँ मैं किचन में सुबह सुबह, और सबसे पहले ना प्लेटफॉर्म को जो है खाली कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से चाय दूध सब कुछ यहीं पर होता है, तो दूध वगैरह भी गर्म किए जाते हैं तो सब यहीं पर रखा हुआ होता है। अब दूध जो है वो ठंडा हो गया है, तो अब मैं उसे सब कुछ को अपनी अपनी जगह पर रख रही हूँ ताकि प्लेटफॉर्म जो है वो थोड़ा सा खाली हो जाए, उसे मैं क्लीन कर लूँ, उसके बाद जो है हम खाना बनाना स्टार्ट करें। तो क्लीन क्लीन रहता है सब कुछ, तो बनाने में भी मन लगता है, किचन में थोड़ा सा मन लगा रहता है, तो बस वही मैं कर रही हूँ। मम्मी यहाँ पे पापा के लिए चाय गर्म कर रही हैं और बस मैं यहाँ पे दाल चावल का कुकर लगाने की तैयारी कर रही हूँ। आज ना ये मैं नए वाले चावल बना रही हूँ, तो मेरे भाई ने ना इस बार चावल मेरे लिए अलग से ला के रख लिए थे, और वो कब से कह रहा है, जब मैं लास्ट टाइम घर गई थी ना तभी आ गए थे, तब से कह रहा है कि दीदी को ये भेज देना भेज देना, तब मैं लेके नहीं आई थी। तो वो माँ को डांट रहा था कि आपने नहीं रखे ऐसा वैसा। तो अभी गाड़ी आई थी तो माँ ने 25 किलो चावल रख दिया था, अभी और रखा हुआ है वहाँ पर, तो वो बाद में आ जाएगा। तो बस मैं यही वाले चावल बनाने वाली हूँ, छतरी चावल हैं, वहाँ पे ये बहुत खाए जाते हैं और लोग थोड़ा सा गीला बना के खाते हैं, सबको गीला चावल पसंद है, हल्का सा गीला। बट यहाँ ना शशांक लोग को पसंद नहीं है, मम्मी को भी पसंद नहीं है गीला चावल, तो मैं ना आज खुला बना रही हूँ। ये अक्सर क्या होता है, गीला ही बन जाता है, तो इसमें मैं एक गिलास चावल में 2 गिलास पानी डाल के बना रही हूँ, बट खुला बना रही हूँ तवे पर रख के, तो वो ना अच्छा बन जाता है, एकदम सही बनता है। चावल में यहाँ पे बॉईल आ गई थी तो मैंने उसे रख दिया एकदम सिम पे करके तवे पे, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ दाल भगाने की तैयारी। तो ना इस दाल को मैं डायरेक्ट फ्राई करके ही लगाऊंगी, तो टमाटर मैं यहाँ पे सुधार रही हूँ और टमाटर फ्राई करूँगी, उसी में दाल ऐड कर दूँगी और बस दाल का कुकर लगा दूँगी, तो फटाफट से दाल भी बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद यहीं पे मैंने आटा वगैरह भी लगा लिया है। पहले मम्मी को लग रहा था कि आटा कम है तो उन्होंने और डलवा लिया, फिर उन्हें लगने लगा ज़्यादा है, तो फिर बोली पूड़ी बन रही है तो पूड़ी के लिए निकाल लो, बाद में सही कर लेंगे उसको। तो बस यहाँ पे फिर मैंने चावल चेक किया तो चावल हो गया है, दाल भी हो गई है, तो दोनों चीज़ें मैंने साइड में स्टैंड रख लिया है, उतार के रख दिया है। अभी मैं जो है रोटी बनाने की तैयारी कर ही रही थी कि शशांक आ गए। ये तवे पे ना चावल का जो ये माड़ वगैरह जो रहता है थोड़ा सा गिर जाता है, तो आप थोड़ा सा उस पर कुछ भारी वजन रख दो ना तो कम गिरता है, पर ये गिर गया है तो जितना मतलब एक्स्ट्रा रहता है ना वो निकल जाता है पानी, तो सही रहता है। तो ये इसको ना ऐसे ही खरोचो दो तो आराम से निकल जाता है, क्योंकि तवा गर्म है, या तो आप अच्छे से इसे वॉश भी कर सकते। तो मैंने तो पहले निकाल दिया, इसके बाद वॉश भी कर लिया, क्लीन हो गया तवा। तो इतना करने में ही शशांक आ गए थे मंदिर के लिए, तो हमें मुझे जाना था मंदिर, और बस मंदिर के लिए लेट नहीं हो सकते, सब काम छोड़ के जाना पड़ता है। तो बस मुझे ना साड़ी के लिए फॉल लेनी थी तो मैं साड़ी लेके गई थी साथ में। आ गई हूँ मंदिर से वापस और यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ, तैयारी कर रही हूँ शशांक की थाली लगाने की। ये जो साड़ी आज मैं पहनी हुई हूँ ना रेड वाली, ये मुझे मेरी माँ ने अभी अभी भेजी है, क्योंकि मुझे पूरा दिन साड़ी पहन के रखनी होती है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये बहुत हल्की साड़ी है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है और बहुत एकदम लाइट वेट है, तो बस उन्होंने मुझे ये भेजी तो मैंने भी पहन ली और मुझे अच्छी भी लग रही थी। तो बस यहाँ पे मैं शशांक के लिए सैलेड वगैरह बना ली है और रोटियाँ बनाना स्टार्ट करी। आज खाने में है पालक की सब्ज़ी, प्यूरी वाली पिसी पालक, चावल, दाल। दाल ना मैंने अच्छे से देखी तो बहुत अच्छे से, मुझे हम लोग को ना थोड़ी घिवी टाइप की खाते, एकदम दाना दाना अलग अलग नहीं होनी चाहिए, तो वो मुझे अच्छी नहीं दिख रही थी, तो मैंने ना थोड़ा सा, गाड़ी भी थी तो थोड़ा सा पानी डाल के एक बार फिर से लगा दी थी। आज भी ना मंदिर से हम जल्दी चले गए थे तो जल्दी आ भी गए थे, तो टाइम था थोड़ा सा शाम को, तो उन्होंने बोला 2-3 रोटी बना के रख लो, उसके बाद लगा देना थाली। तो बस मैंने यहाँ पे तब तक के लिए दाल भी रख दी है, एक आध सीटी आ जाएगी तो वो सही हो जाएगी, और यहाँ पे रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो बस 1-2 रोटी बना लूँ उसके बाद शशांक की थाली लगाऊँगी। आज ना आरम के स्कूल का भी लास्ट डे है, मतलब ये 30 तारीख का ब्लॉग है, तो बस आरम तो स्कूल गया है, यहाँ पर मैंने रोटियाँ लगा दी हैं और शशांक की थाली भी यहाँ पे लग गई। तो छेना लेके आए थे हम जब राशन लाए थे, तो डिब्बा खोला ही नहीं था, याद ही नहीं था वो ऐसे कैसे रखा था, तो मैंने खोला है, तो बस मैंने शशांक के लिए छेना रखा है।
यहाँ पे पालक की सब्ज़ी रखी है, और पालक है ना पिसी पालक, तो दाल नहीं दी है, और ककड़ी वगैरह दी है, पापड़ में यहाँ पे सेक के पापड़ भी दे दूँगी। तो बस शशांक खाना खाएंगे और शॉप चले जाएंगे। खाना पीना पापा का हो गया है, शशांक का हो गया है, मम्मी मैं रह गई हैं, अरहम आएगा तो वो खाएगा। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हमने सोचा कि मम्मी पूड़ी बना लेंगी और मैं जो है खींचला बना लेंगे, क्योंकि अभी मौसम ठीक ठाक है, धूप अच्छी निकल रही है, तो एक दो दिन लगातार बना लेंगे। तो बस आज मैंने जो ये चावल का जो है ये खींचला बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो मम्मी ने मुझे बना के दे दिया है। तो इसमें ना हम लोग ने 3 गिलास पानी डाला है और 2 गिलास चावल का आटा लिया है, तो इसमें ना परफेक्ट बनते, अच्छे बन रहे हैं हम लोग के, तो अच्छे से मिलाते बन जाता है। और 2 गिलास पानी में 2 गिलास आटा डालो ना तो बहुत अच्छे से मिलता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। तो बस मम्मी को पटा चाहिए है, बट मैं यहाँ पर मैंने ले लिया है, क्योंकि अभी बहुत गर्म है, क्योंकि अभी ना ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैंने कहा एक बार मैं पटापे से इसको मिक्स कर लूँ अच्छे से थोड़ा सा, उसके बाद वाला रखा रखकर थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो फिर मैं वो ऐसे ही कर लूँगी। बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेलन से ऑयल वगैरह लगा लिया था तो ये चिपकेगा नहीं। इसके बाद फिर इसे अच्छे से इस तरीके से एक सा कर लिया है, और जिससे लोई भी अच्छी बनेगी और ये अच्छा मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा अच्छे से। तो बस अभी थोड़ा गर्म है तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। उसके जितना अच्छा मिक्स होगा ना उतने अच्छे आपके खींचला बनेंगे, चाहे आप बेलो चाहे दबाओ, जिस तरीके से भी बनाओ। बस तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मीड लिया है और इसकी छोटी छोटी जो है लोई जैसे तैयार कर ली हैं, गोल गोल शेप दे दिया है इसे। और बस गर्म रहे इसलिए, जल्दी से ठंडा ना हो इसलिए मैंने वापस से उसी गंजी में से अंदर ढक के रख लिया है, और फिर मैं दबा दबा के मशीन से खिचला बना के तैयार कर लूँगी। बहुत सारे न्यू न्यू सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ गए हैं, मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोग कमेंट करके बताती भी हैं मैं आपकी नई फ्रेंड हूँ या आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं घर पे सबको बताती हूँ कि कोई यहाँ से है कोई वहाँ से है, और बहुत खुशी होती है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, उसके बाद जब है हम वीडियो बना के अपलोड कर पाते हैं और आप लोग को वीडियो पसंद आते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है। जब कभी भी मैं डीमोटिवेट होती हूँ कि मैं मतलब क्या शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो करती हूँ घर में सबको शेयर करती हूँ, लोग क्या सोचते होंगे, पर जब ये कमेंट्स आते हैं ना और सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते हैं तो फिर मुझे अच्छा लगता है, और फिर मैं सोचती हूँ जो भी है सब बढ़िया है, सब अच्छा है, मुझे ये करके खुशी मिल रही है, तो बस इसमें कोई भी बुराई नहीं है फिर। तो बस यहाँ पे मैंने खिचड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया है, और ऐसे ही लव और सपोर्ट आप लोग करते रहना, और प्लीज़ चैनल पे अभी भी नए हो रोज़ वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कर दिया करो। ये मशीन मैंने ली थी खिचड़ा बनाने के लिए, जिसका यूज़ मैं कर रही हूँ जब से ली है, तो इसे काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब 3-4 बार यूज़ कर चुकी हूँ, अभी तो बीच में बंद भी कर दिए थे खिचड़ा वगैरह बनाना। ये देखो आप काफ़ी अच्छे से खिचड़ा बन के तैयार हो जाते हैं, तो मैंने पन्नी लगा के बेलती हूँ मतलब दबाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से बनते हो, बिना पन्नी के ना उतना ज़्यादा फैलते नहीं है वो। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ, लोई रख दी, छोटी छोटी ही लोई लेती हूँ, बहुत बड़ी नहीं लेती हूँ, क्योंकि जब हम मैंने फ्राई करते हैं ना तो ये वैसे भी बड़े हो जाते हैं खिचड़ा, तो किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी जब फ्राई करूँगी ये वाले। तो बस इस तरीके से बन के तैयार हो गए, कभी मुझे लगता है कि थोड़ा और कहीं मोटा है या दबाना चाहिए तो फिर मैं एक बार और इस तरीके से रख के उसे प्रेस कर देती हूँ, तो और अच्छे से वो बड़ा हो जाता है और अच्छा बन जाता है।
तो मम्मी ना खिचड़ा डाल आई हैं पहले के, और ये लास्ट के एकदम ठंडा हो गया था, तो ठंडे वाले थोड़े से अलग दिखते हैं, उतने ना तो स्मूथ दिखते हैं और ना उतने अच्छे से वो बन पाते हैं। एकदम ठंडा हो गया था, तो ये कुछ 8 खिचड़ा होंगे, तो बस ये पहले के डले हुए हैं, तो ये थोड़े से सूख भी गए हैं, बाकी के मैं फैला दूंगी। इसके बाद ना हमें जाना था मार्केट, कुछ काम था ज़रूरी, मतलब एक डॉक्टर से भी कंसल्ट करना था किसी काम से, और मार्केट का भी कुछ थोड़ा सा काम था, तो बस उसके लिए हम निकल गए हैं। तो दोनों ही काम हमने कर लिए थे और बस फिर वापस आ गए हैं घर, और हमने बनाई है शाम को गिलकी की सब्ज़ी, मतलब बना रही हूँ गिलकी की सब्ज़ी। तो बस राई जीरे से, राई जीरे डाल के, मतलब प्याज वाली बना रही हूँ, तो प्याज टमाटर सब कुछ डाल के, मसाला डाल के, फिर गिलकी डाल दी है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तो उससे ना वो वाली गिलकी पसंद आती है, और फिर शशांक भी अच्छे से खा लेते हैं। साथ में मैं साइड में बना रही हूँ मैंगो शेक, तो बस मैंने सोचा रम भी अभी खा लेगा, मैं भी खा लूँगी, मैंगो शेक ज़्यादा फ़ायदा करेगा, मैंगो से खाने से अच्छा है। तो गिलकी तो अभी अभी छुट रही है, मतलब अभी हुई नहीं है, मैंगो शेक ज़रूर बन गया है। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे मैंने चॉप कर लिए हैं, मोटा मोटा ही ऐसी रफली चॉप कर लिए हैं। तो अभी अरहम है, अनर्घ है, बुआ लोग आई हैं, तो मैंने उसके लिए निकाला है, अरहम के लिए निकाला है, बट अनर्घ ने नहीं खाया है, और तो मैंने अरहम को दे दिया, और फिर जो एक और कटोरी थी उसका मैंने खा लिया। बस उसके बाद फिर शाम को सब्जी आज मैंने ना 4:30 बजे करीब बना ली थी, क्योंकि आज कुछ काम था। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।